नया हिट एंड रन कानून, सरकारी और प्राइवेट वाहनों का चक्का जाम और इसके असर से बाजारों और दुकानों पर होती सामान की किल्लत, ये नजारा जरा ध्यान से देखिए। देश भर में चक्का जाम के बाद खबर उड़ी कि अब पेट्रोल पंप पर तेल की किल्लत होने वाली है। फिर क्या था, लोग अपने घरों से निकलकर सीधा अपनी गाड़ियों में तेल डलाने पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। ये हाल ना सिर्फ राजधानी लखनऊ का है बल्कि प्रदेश के कई जिलों से पेट्रोल पंप पर लगी लंबी कतारों की तस्वीरें सामने आई जो लोगों को डरा रही हैं। दरअसल सरकार द्वारा लाए गए नए हिट एंड रन कानून के विरोध में चालकों ने 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया जिससे हर जगह सप्लाई बाधित हुई। बाजारों में सब्जियों की कमी के कारण दाम में बढ़ोतरी हो रही, शहर में आने जाने के लिए इस्तेमाल होने वाली टैक्सी भी हड़ताल पर है और इन सब चीज़ों को मिलाकर जब सोशल मीडिया पर यह खबर फैली कि पेट्रोल पंप पर तेल लाने वाले टैंकर भी हड़ताल पर हैं तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग अपनी गाड़ियां लेकर आनन फानन में पेट्रोल भराने के लिए पंप पर पहुंचने लगे जो धीरे धीरे लंबी कतारों में तब्दील हो गई। इसका असर ये हुआ कि जितना तेल 2-3 दिन में बिकता था वो एक ही दिन में बिकने से तेल की कमी होने लगी और लोगों को तेल मिलना बंद हो गया जिसके बाद माहौल और बिगड़ने के आसार हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस लिए आप यहाँ पे पहुँचे हैं? तेल लेने के लिए पहुँचे हैं। क्यों क्यों आपको क्या पता चला है? पता चला कि सारे ड्राइवर हड़ताल पे हैं तो गाड़ी हर जगह रुक गई है तो क्या किया जाए, मजबूरी में हम लोग आए हैं, टंकी जितना फुल हो सकता है करा लिया जाए। तो क्या हुआ, अभी आपको तेल मिल पाया कि नहीं मिल पाया? अभी तक तो नहीं, पीछे अभी लगे हुए हम लोग। कहाँ से आ रहे हैं आप? यही शहर गोरखपुर लोकल ही के हैं हम लोग। हड़ताल चल रही है टैंकरों पे, पेट्रोल पंप पे ड्राइवर लोग हड़ताल कर किए हुए हैं तो मैंने सोचा कि हालांकि पेट्रोल है तो हम भी सोचा टंकी फुल करा लें, क्या पता आगे खिंच जाए लंबा चल जाए। और हमने देखा यहाँ भीड़ बहुत है, लोग कैनों भर भर के जा रहे ले जा रहे हैं तो यहाँ नहीं मिल पा रहा तो आगे देख रहे जा करके। अब ये क्या पेट्रोल की स्थिति, क्या पेट्रोल डीजल की है? पेट्रोल की स्थिति सही है सर, हमारे यहाँ तो स्टॉक पूरा है, 3 दिन के लिए माल उपलब्ध है, लेकिन पब्लिक अफवाह उड़ने की वजह से हमारे यहाँ जाम लगी हुई है। जो बिक्री 3 दिन में होनी थी वो 1 दिन में हो रही है। न सिर्फ तेल बल्कि पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हुई है जिसमें रोजमर्रा की जरूरतें भी शामिल है जैसे दूध, सब्जियां, दवाएं, खाने पीने का सामान, रसोई गैस की किल्लत प्रमुख तौर पर बढ़ने की संभावना है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने रोड रेज या हिट एंड रन करके भागने वालों के खिलाफ कानून में बड़े बदलाव किए। ये कानून जल्द ही लागू होने वाले हैं। नए कानून के तहत अब कोई ड्राइवर रोड एक्सीडेंट करके भाग नहीं सकता है। अगर कोई शख्स रोड पर एक्सीडेंट करके भाग जाता है और घायलों को सड़क पर ही छोड़ देता है तो उसे 10 साल की सजा होगी और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना दिए जाने का प्रावधान है। हालांकि मानवीयता दिखाने पर कुछ राहत का भी प्रावधान है, अगर एक्सीडेंट करने वाला ड्राइवर घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे मौतों की संख्या में कमी आएगी और लोगों को सही समय पर उपचार मिल सकेगा। वहीं ट्रक, टैंकर और अन्य ड्राइवर्स का कहना है कि हादसे के बाद घटना स्थल पर रुकना उनके लिए खतरा बन सकता है। किसी भी हादसे के बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिल सकती है और भीड़ की शक्ल में लोग तोड़फोड़, हंगामा, मारपीट और आगजनी तक पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे में अगर भीड़ ने घेर लिया तो जान मुसीबत में आ सकती है। यह हाल सिर्फ यूपी का नहीं बल्कि पूरे देश के कई प्रदेशों का है। देखना ये होगा कि आखिर बिगड़ते हालातों को देखते हुए सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।